परसों मैंने बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया था, तो इसमें तो 150 रुपये काट दिए। उसके बाद उसके पहले भी मैंने डिपॉजिट किया था अपने अकाउंट में, उसके भी 200 रुपये कट गए हैं। ये डिपॉजिट में चार्ज क्यों लगता है, तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, गर्मियों का आजकल सीज़न चल रहा है, तो पानी ज़्यादा पिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, बैंक में जो अपना सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें चार्ज कटता है। तो कैसे दोस्तों? तो हम अपना पैसा जो डिपॉजिट करते हैं वो अलग अलग डिनोमिनेशन में होता है, 500 में, 200 में, 100 में, 2000 में, या फिर जो छुट्टे होते हैं ना, 50, 20, 10। दोस्तों छुट्टे कैसे बोलते हैं बैंक की लैंग्वेज में? दोस्तों 50, 30, 50, 20 और 10 वाले जो नोट होते हैं ना दोस्तों, उसे छुट्टा बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट करते हैं आप लोग, तो जो 50, 20 और 10 डिनोमिनेशन वाली नोट है वो जितना आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उससे 10% ही करना है डिपॉजिट। क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो दोस्तों वो 10,000 में डिनोमिनेशन है उसमें 10, 20 और 50 की नोट सिर्फ 10%, यानी कि 1,000 से बढ़नी नहीं चाहिए। या फिर दोस्तों आपने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो उसमें 10,000 से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। वो अगर आपने 10% से ज़्यादा उसमें जो छुट्टे नोट होते हैं 50, 20, 10 वो डिपॉजिट किए, तो जितने ज़्यादा आपने डिपॉजिट किए उसमें 1% चार्ज लगेगा। दोस्तों आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसमें आपके जो छूटे नोट है 10, 20 और 50 उसमें आपने 10%, यानी कि जो छूटे हैं वो जितनी अमाउंट है उसके 10% से ज़्यादा जितने छूटे जमा किए हैं उसमें ही आपको 1% आपको चार्ज लगेगा। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे बचना है, तो सबसे पहले देख ले जितना जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करने वाले हैं उसका 10% ही छूटे आप बैंक में डिपॉजिट करवाए, बाकी के जो आपके पास छूटे बचते हैं वो नेक्स्ट डिपॉजिट में आप 10% छूटे डिपॉजिट करें। ये फर्स्ट टाइम है, ये इससे आप बच सकते हैं। दूसरा वो उपाय वो है कि जो आपके पास छूटे हैं वो आप अपने खर्च के लिए यूज किए, टीवी का बिल पे करें या फिर अपने मोबाइल का बिल पे करें, दूध का बिल, कोई भी आप बिल है वो उसे पे कर दीजिए ताकि आपको बैंक में उसको उसमें चार्ज ना लगे। और दोस्तों जो आप छुट्टे 10% से ज़्यादा डिपॉजिट करोगे तो उसका चार्ज दोस्तों जब आप डिपॉजिट करोगे तब नहीं लगेगा। उसका चार्ज दोस्तों 1 महीने, मंथ में, या फिर क्वार्टरली, 6 मंथ या फिर 1 साल में कभी भी उसका चार्ज कट सकता है दोस्तों। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया और आपको चार्ज नहीं लगा तो अब नहीं लगेगा। दोस्तों पूरे साल में कभी भी उसका चार्ज लग सकता है दोस्तों, तो अपना पैसा बचा के रखे दोस्तों, और कम से कम बैंक को अपना चार्ज दे और बैंक की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का उपयोग करे। और दोस्तों मैं आपका दोस्त ही हूँ, और दोस्तों मैं बैंक में और ATM सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो ऐसे बैंक डिपॉजिट के रूल्स और ऐसे नए बैंक के रूल्स के वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।